वसीम सर ट्यूटोरियल का वन ऑन वन टीचिंग मेथड तो आपने सुनाई है और इस साल उनके नीट के रिजल्ट भी बहुत कुछ बताते हैं। समीर अंसारी ने नीट 2024 के एग्जाम में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है, जिनका नीट स्कोर 633 आया है और ऐसे कई स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर किया है। वसीम सर वन ऑन वन टीचिंग मेथड में स्टूडेंट्स पे इन डेप्थ फोकस के साथ साथ उन्हें हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाए। हमारे तीनों ब्रांच में एडमिशन ओपन है। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही कॉल करें दिए गए नंबर पर। कुवैत की अलमनगब बिल्डिंग में लगी भीषण आग में 40 भारतीयों की मौत, 50 से ज्यादा हुए घायल। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बुधवार 12 जून सुबह तड़के 4:30 बजे कुवैत के दक्षिण प्रांत के साउथ कुवैत के इलाके में एक अलमनगब करके इमारत है। इस इमारत में रहने वाले भारतीय कर्मचारी अग्निकांड का शिकार हुए। इस इमारत में लगभग 160 भारतीय कर्मचारी रहते हैं, ऐसा सरकारी आंकड़ों के अनुसार सामने आया है, जिसमें आग लगने के कारण और तेजी से आग फैलने के कारण 40 भारतीयों की मौत हो गई, वहीं 50 के करीब करीब घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें कुवैत के ही अल अदनान अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। मरने वालों में ज्यादातर केरला, तमिलनाडु और उत्तर भारत के तरफ के भारतीय मूल के नागरिक है। घायलों में भी इन्हीं प्रदेशों के नागरिक ज्यादा बताए जा रहे हैं। इस दुखद कांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर सभी ने अपना दुख व्यक्त किया है। भारत के एम्बेसडर्स प्रतिनिधि कुवैत पहुंच चुके हैं। जख्मियों को और मृतकों को हर संभव मदद करने की कोशिशें वहां पर सरकारी स्तर पर की जा रही है। एक बहुत बड़ा दुखद हादसा जो है वो कुवैत में हुआ है, लेकिन दुख की लहर पूरे भारत में उठी है। किस तरह से ये अग्निकांड हुआ है, कैसे 40 भारतीय इसमें मरे हैं और 50 से ज्यादा घायल हुए, आशंका है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। भारतीय मूल के कर्मचारियों के लिए ये अलमनगब इमारत जो है दक्षिण कुवैत में किराए पर जो है अहमदी गवर्नरेट करके जो इलाका है वहां पर दी गई थी, जिसमें लगभग 160 कर्मचारी रहते थे, ऐसा बताया जा रहा है। और जो लटका है वो सीढ़ी खड़ा करेगा तो उतार सकते हैं। लेकिन हम लोग टाइम से ना देखें वो देखने को नहीं, सांस लेने को नहीं हो रहा है, इसलिए बाहर लटका है, सांस ले रहा है।
खोल ढक्कन खोल ढक्कन खोल ढक्कन खोल ढक्कन खोल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को तुरंत मीटिंग में बुलाया है, उनकी ब्रीफिंग के बाद हम लोग तुरंत कुवैत जा रहे हैं। सर, लोगों को जो जिनके लोगों में मृत्यु हो गई है उन लोगों को ढांढस देना था कि सरकार क्या कुछ कर रही है। देखिए, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को बुलाया है, इसी के लिए, इसी में हम लोग लगे। आज रात को निकल जाएंगे सर आप? जहां तक उम्मीद है हम लोग तुरंत इस पर एक्शन ले रहे हैं। विरोधी बोल रहे हैं कि सर विरोधी की बात आप लोग।